नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल में स्वागत है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है कि जो हमारी माता बहन हैं, अपने ससुराल में बहुत ज्यादा अपने पति से दुखित रहती हैं, यानी आपका पति आपकी बात नहीं मानता है, आपका सम्मान नहीं करता है और अपनी मनमानी करता है और आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ पति हो, चाहे कितना भी अय्याश पति हो, चाहे कितना भी जिद्दी पति हो, चाहे कितने भी उस पति में ऐब हो, वो सब छोड़ देगा यदि पत्नी हमारे बताए हुए इस उपाय को करती है। यदि विधि और विधान से जो भी बहन या माता अपने पति को बस में करने के लिए खास उपाय करती है जिसे हम बता रहे हैं, तो अवश्य ही आपका पति आपके बस में होगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आप हमेशा खुश रहोगी और पति भी आपके साथ फिर खुश रहेगा। यदि आप अपने बिगड़े हुए परिवार को, अपने उजड़े हुए परिवार को और पति और पत्नी के अधूरे रिश्ते को, जिसमें हमेशा अनबन रहती है, खटास रहती है, उसे मधुर बनाना चाहती हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो वो उपाय कौन सा है, इस बारे में मैं बड़े ही विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन मेरी माता और मेरी बहनों, ये खासकर वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी माता बहनों के हमारे पास फोन आते हैं कि हे गुरुजी, कोई ऐसी वीडियो बनाइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे देखकर हम अपने पति को बस में कर सके, अपने पति को सही रास्ते पे ला सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और बना रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर हर माता बहन से, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं उन माता बहनों को क्या करना चाहिए जो अपने पति से रहती है दुखी परेशान। उन माता बहनों को क्या करना चाहिए, या तो आप इस उपाय कॉपी पे लिख लीजिए, या फिर इस वीडियो को हमारी को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, लैपटॉप में सेव कर लीजिए या कंप्यूटर में। तो आपको क्या करना है, पति को बस में करने के लिए उसकी पत्नी या कोई भी हमारी माता बहन अपने पति का सबसे पहले कोई पुराना कपड़ा लीजिए, जिस कपड़े को आपके पति ने पहना हो और उसको आपने धोया नहीं हो, ऐसा कपड़ा आप घर में ढूंढिए। उसके बाद एक आप लंबा सा लोहे का तार लीजिए बारीक सा, और उसे अग्नि में गर्म कर लीजिए, चूल्हे पे या गैस पे कहीं भी उसे आप गर्म कर लीजिए, और उस लोहे के तार से उस पहने हुए कपड़े में आप 17 छेद कर देना, गिन के पूरे 17 छेद करने हैं आप। जब आप उस कपड़े में 17 छेद कर लोगे, उसके बाद आप 3 काली चूड़ियां लेना, जो कपड़े में 17 छेद है उस कपड़े को और 3 काली चूड़ियों को लेकर दोनों की गांठ बांध लेना। जब आप दोनों की गांठ बांध लेंगे, उसके बाद आप उस कपड़े को और उन चूड़ियों को जिसमें आपने गांठ बांधी है, इनको बहते हुए पानी में प्रभावित कराएं, या नाले में प्रभावित कर दें, जहां भी पानी चलता हुआ रहता हो वहां आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित करने के बाद उसके बाद आप सर से पैर तक एक काला धागा ले लीजिए अपनी लंबाई का, फिर उसके बाद उस धागे में से बराबर के सेम 17 टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद फिर आप उन 17 जो धागे के टुकड़े किए हैं, जो 17 धागे के टुकड़े हैं, उनको गर्म तवे पर आप उनको भून लीजिए, यानी जलाकर उनकी राख या भस्म बना लीजिए, भस्म तैयार कर लीजिए। फिर आप उसमें अपने सर के 8 बाल तोड़कर डाल दीजिए। उसके बाद आप फिर हर सिंगारक की 3 इंच की शाखा के साथ कटहल के पत्ते में रखकर, कटहल के पत्ते पर रखकर फिर उसके ऊपर से काला धागा लपेट कर, फिर उस कटहल के पत्ते को जिसपे आपने धागा बांधा है काला, उस पत्ते को वहां छुपा कर रख दे जहां आपका पति रोजाना सोता है, आराम करता है, कहीं भी छुपा कर बेड पे नीचे, तकिया के नीचे कहीं भी रख दीजिए। उसके बाद आप देखना धीरे धीरे आपका कितना भी आतंकी पति हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी जिद्दी हो, और चाहे उसमें कितने भी ऐब हो, वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा और आपकी आज्ञा का पालन करने लगेगा। आप और आपके पति के फिर देखना बहुत ही गहरे और मधुर रिश्ते हो जाएंगे। फिर आप एक दूसरे की सलाह के बिना कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपके परिवार का आपस का जो झगड़ा है पति पत्नी का, वो समाप्त हो जाएगा। आपस के जो संबंध तुम्हारे अच्छे नहीं रहते, घर में कलेश रहता है, चाहे कैसा भी हो पति पत्नी के बीच का, तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही कारगर टोकटा है, उपाय है, घरेलू है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, इसे आप आराम से कर सकती हैं।
मैंने इसलिए वशीकरण बताया है पति और पत्नी के लिए ताकि किसी का बिगड़ा हुआ घर बस जाए और बिगड़ा हुआ पति किसी का सुधर जाए। तो मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना। यदि आपके जीवन में कोई ज्यादा परेशानी चल रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं, अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवा सकती हैं, या जीवन में कैसी भी समस्या आपके चल रही है सभी का समाधान कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकती है और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकती है। हम बड़े ही विधि विधान से समस्या का समाधान करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। तो यहीं पर मैं अब अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद जय भारत।